पलामू के नावा बाजार में एक गरीब परिवार के साथ मारपीट और जेसीबी से घर गिराए जाने के मामले में मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। जी हां, न्यूज 11 भारत ने इस गरीब परिवार की पीड़ा को प्रमुखता से जगह दी, इसे दिखाया, जिसके बाद प्रशासनिक अमला स्थानीय स्तर पर सक्रिय हुआ। तो अब जानकारी ये सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले में संज्ञान लिया है और ट्वीट कर दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई का आदेश दिया है। बता दें कि आरोप है कि बीजेपी नेता कृष्णा गुप्ता सहित 5 लोगों ने एक गरीब परिवार का घर गिरा दिया ताकि उसे उसकी जमीन से हटाकर उसकी जमीन पर जबरन कब्जा किया जा सके। इसके लिए उसके साथ मारपीट भी की गई। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संतोष जुड़े हुए हैं। संतोष, न्यूज 11 भारत ने इस गरीब परिवार के घर गिराए जाने की खबर को प्रमुखता से दिखाया, स्थानीय प्रशासन हरकत में आई और अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है और त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया है। जानना चाहेंगे आपसे, जिला प्रशासन इस मामले को किस तरह से ले रहा है और क्या कार्रवाई चल रही है? जी दीपक, बता दे कि न्यूज 11 खबर का भी असर प्रमुखता से दिखाने के बाद देखने को मिला है। बता दें कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जो है खुद सीएम के आदेश के बाद पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने भी निर्देश जारी किए हैं और यहाँ पे जो स्थानीय पुलिस है वो कार्रवाई कर रहे हैं। और जो इसमें जिनका आरोप लगा है कृष्णा गुप्ता सहित 5 लोगों पर, उनसे भी जो है पुलिस पूछताछ कर रही है, क्योंकि ये सारा मामला जो है जमीन से जुड़ा मामला बताया जा रहा है, पुलिस के द्वारा भी बताया जा रहा है। पूरे मामले में जो है पुलिस अपने स्थानीय पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है। जी, तो कार्रवाई चल रही है लगातार इस मामले में, लेकिन जो आरोपी हैं उन पर क्या कार्रवाई हुई है, ये बड़ी बात है। कोई गिरफ्तारी की जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। संतोष, इस मामले में कुछ कर रही है पुलिस? जी बता दें, स्थानीय पुलिस के अनुसार बता दें कि अभी तक कोई गिरफ्तारी किसी की हुई नहीं है। हालांकि पीड़ित का बयान भी दर्ज कर लिया गया था। सीएम के आदेश के बाद त्वरित ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं और जो आरोपी है, मेन आरोपी है, वो अभी जो है पुलिस जो है उन्हें थाना तक नहीं बुला पाई है। हालांकि पुलिस से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए जल्द ही इसका निपटारा किया जाएगा और दोषियों की कार्रवाई करने की बात सामने कही गई है। जी जी, पीड़ित परिवार को राहत मुहैया कराई गई है, ये भी जानना चाहेंगे संतोष? जी बता दे, पीड़ित परिवार को राहत मुहैया कराने के लिए खुद जिले के उपायुक्त भी निर्देश जारी किया है कि जो नुकसान हुआ है, जो पीड़ित परिवार की जो अर्थी है उसका सहयोग करने का भी जो आदेश जारी किए हैं। जी जी संतोष, धन्यवाद इस तमाम ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। तो खबर दिखाए जाने के बाद इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर स्थानीय अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया है।